एक तरफ हिंदुस्तान के नए कश्मीर ने पहली ईद मनाई तो दूसरी तरफ मोदी ने पाकिस्तान की पूरी ईद ही खराब कर दी। इमरान खान ईद के इस मौसम में न जाने कहां कहां फोन घुमाते रह गए, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते रह गए। अमेरिका से लेकर चीन जैसे देशों से मदद मांगी, लेकिन मोदी का चेहरा देखकर अमेरिका और चीन भी खामोश रह गए। चीन भी वो पड़ोसी देश है जो हिंदुस्तान के साथ दगाबाजी करता रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वो खामोश है। मोदी के हाथों बुरी तरह पिट चुके इमरान मियां विश्व के मंच पर अपना हमदर्द तलाश रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि उनका भरोसेमंद चीन भी। पाकिस्तान ने चीन को मनगढ़ंत तरीके से बताया कि मोदी सरकार के फैसले से चीन के लोग परेशान हैं, लेकिन आखिर चीन किस मुंह से कश्मीर मुद्दे पर कुछ बोल पाएगा, क्योंकि चीन के शिनजियांग प्रांत में करीब 10 लाख ऐसे उइगर मुसलमान हैं जो चीनी कम्युनिस्ट शासन का दमन झेल रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन चीन के इस कदम की निंदा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सरकार वहां के मुस्लिमों पर उनके धार्मिक मतों को ना मानने के लिए दबाव बनाती रहती है और करीब 30 कैदखानों में 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों को बंद कर रखा गया है। ये एक तरह से मुसलमानों की संस्कृति और धार्मिक पहचान मिटाने की कोशिश है और इमरान बेचारा ऐसे ही चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अगर चीन ने भारत का वैश्विक मंच पर विरोध किया तो चीन की ये पोल भारत भी खोलने में पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा तिब्बत का मुद्दा भी चीन को बार बार भारत के सामने कमजोर कर देता है, क्योंकि तिब्बत की आज़ादी की मांग भी लगातार उठती रहती है। वैसे भी मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों चीन के दौरे पर हैं और उन्हें हालात कैसे संभालना है ये वो अच्छे से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।